बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर में पुजारी वर्ग द्वारा पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की आत्मा शांति की कामना की गई और स्वर्गीय अरुण जेटली के परिजनों को इस दुख को सहने की भी प्रार्थना की गई। वहीं पुजारी वर्ग का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन से न केवल राजनीतिक दल को बल्कि पूरे देश पर फर्क पड़ा है और उनकी कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन से जहां देश भर में शोक का माहौल है, तो वहीं केंद्र सरकार में मंत्रियों व पार्टी नेताओं द्वारा उनके पार्थिव शव को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन श्रद्धांजलि दी गई। एक ओर जहां पर देश भर के नागरिकों ने इस महान शख्सियत को अंतिम विदाई दी, तो वहीं देश के शक्तिपीठ में स्वर्गीय अरुण जेटली की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर में पुजारी वर्ग द्वारा पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की आत्म शांति की कामना की गई और स्वर्गीय जेटली के परिजनों को इस दुख को सहन करने की प्रार्थना भी की गई। पुजारी वर्ग का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन से न केवल एक राजनीतिक दल को बल्कि पूरे देश को फर्क पड़ा है और उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। उनके निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले दिवंगत श्री अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचे और सरकार का एक अभिन्न हिस्सा रहे। हालिया चुनाव में उन्होंने किसी प्रकार का कोई पद या इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। अक्सर राजनेताओं में देखा जाता है कि एक लालच होता है कि हम जब भी रहें और मरे भी तो कुर्सी पर ही मरे, लेकिन अरुण जेटली जी साहब के साथ ऐसी बात नहीं थी। ये कल प्रभु चरणों में लीन हो गए। ये नुकसान केवल भाजपा या किसी एक दल का नहीं है, ये नुकसान पूरे भारतवर्ष का है। हम सब के एक प्रिय नेता प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। माता उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट प्रवक्ता, कानून के जानकार थे। उनकी क्षति देश के लिए कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। हम पुजारी वर्ग माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार भी इस कठिन में अपने उनको सहन शक्ति प्रदान करे।